कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव की हालत गंभीर बनी हुई है। वो इस समय जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं। राजू श्रीवास्तव बीते 9 दिनों से दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में भर्ती हैं। वो वेंटिलेटर पर हैं और उनकी हालत लगातार गंभीर बनी हुई है। राजू श्रीवास्तव के फैंस और उनके शुभचिंतक उनकी हेल्थ को लेकर लगातार परेशान हैं और उनके जल्द ही ठीक होने की दुआएं कर रहे हैं। बॉलीवुड एक्टर राजपाल यादव ने राजू श्रीवास्तव के जल्दी ठीक होने की कामना की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर ये वीडियो पोस्ट किया है। भाई राजू श्रीवास्तव, आप जल्दी से अच्छे हो जाइए। हम सब आपके लिए दुआ कर रहे हैं, बेसब्री से आपका इंतजार कर रहे हैं और आपका परिवार, आपका जो संसार है, आपके वेलविशर हैं, सब आपके लिए दुआ कर रहे हैं कि आप जल्दी से अच्छे होइए और बाहर आइए और ताकि हम सब लोग मिलके एक दूसरे को गले लगें और जीवन में आप खूब खुशहाल रहें और आप इसी तरीके से मनोरंजन पूरी दुनिया का करते रहें। लव यू ब्रदर, गॉड ब्लेस यू, गेट वेल सून। राजपाल यादव ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, जल्दी ठीक हो जाओ राजू मेरे भाई, तुम्हें देखना मिस कर रहा हूँ। वीडियो में राजपाल यादव कहते हैं, भाई राजू श्रीवास्तव, आप जल्दी से अच्छे हो जाइए। हम सब आपके लिए दुआएं कर रहे हैं, बेसब्री से आपका इंतजार कर रहे हैं। राजपाल यादव आगे कहते हैं, आपका परिवार जो आपका इंतजार कर रहा है, आपके शुभचिंतक हैं, वो सभी आपके लिए दुआ कर रहे हैं कि आप जल्दी से अच्छे हो जाइए और बाहर आइए ताकि हम सब मिलकर एक दूसरे को गले लगा सके। जब से रिपोर्ट सामने आई है कि राजू श्रीवास्तव के दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है, तभी से हर कोई उनके जल्दी ठीक होने की कामना कर रहा है। राजू श्रीवास्तव की बेटी अंतरा ने पीटीआई से खास बातचीत में बताया कि डॉक्टर्स अभी भी उनका इलाज कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो इससे ज्यादा भी कुछ नहीं बता सकती। आपको बता दें, राजू श्रीवास्तव 10 अगस्त को हार्ट अटैक आने के बाद एम्स में भर्ती हो गए थे। उसी दिन राजू श्रीवास्तव की एंजियोप्लास्टी कराई गई थी। उनके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था और वो लाइफ सपोर्ट पर हैं।